आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। राकेश बाल विकास केंद्र खीरी में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, मैट्रिक के टॉपरों को किया गया सम्मानित। बांका जिलांतर्गत रजौन प्रखंड के राकेश बाल विकास केंद्र खीरी में बुधवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर विद्यालय एवं अपने घर परिवार का नाम रोशन करने वाले 60 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को विद्यालय परिवार द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्थानीय दीप नारायण महाविद्यालय भूसिया रजौन के सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर जयकुमार राणा, सेवानिवृत्त प्राचीन इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर प्रताप नारायण सिंह के हाथों से विद्यालय के टॉपर छात्र छात्राओं को नकद राशि एवं डिक्शनरी देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मैट्रिक परीक्षा में 468 अंक लाकर जिला में पांचवा तथा अपने विद्यालय के टॉपरों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र नीलेश कुमार तथा 444 अंक लाकर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा प्रियम कुमारी को 2,000 रुपये नकद राशि एवं डिक्शनरी, वहीं 458 अंक लाकर विद्यालय के टॉपरों की सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र सत्यम कुमार तथा 442 अंक प्राप्त करने वाली छात्रा अनु कुमारी को 1,000 रुपये नकद राशि तथा डिक्शनरी, वहीं 455 अंक लाकर विद्यालय के टॉपरों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र शिवम कुमार एवं 440 अंक लाने वाली छात्रा काजल कुमारी को 500-500 रुपये नकद एवं डिक्शनरी देकर सम्मानित किया गया। वहीं इसके अलावे विद्यालय के सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रखंड के नीमा ग्राम निवासी समाजसेवी पूर्ण प्रकाश सिंह के हाथों से मेडल देकर सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार राकेश बाल विकास केंद्र खिद्दी में सत्र 2022-23 में 10वीं कक्षा में कुल 64 नियमित छात्र छात्राओं में से 60 बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें से 26 बच्चे 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं तथा 3 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त कर जिला टॉपरों की सूची में स्थान प्राप्त कर अपने घर परिवार सहित विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान मुख्य रूप से विद्यालय के अध्यक्ष कुंज बिहारी सिंह, सचिव डॉक्टर गौरी शंकर सिंह, विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक अशोक कुमार सिंह, विद्यालय के सभी शिक्षक सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक आदि उपस्थित थे। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।